नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि 2000 स्क्वायर फुट में आप स्लैब ढलवा रहे हैं, छत ढलवा रहे हैं, ठीक है। आपका एरिया कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 50 बाय 40 फुट का, ठीक है। तो दोस्तों उसमें टोटल मटेरियल और खर्च कितना लगेगा 2023 में, जिसमें आपका छत है और छत के साथ बीम डलाता है, उसका टोटल कितना कंक्रीट वॉल्यूम लगेगा, कितना आपका टोटल छत और बीम में आपका सीमेंट लगेगा, टोटल कितना सैंड लगेगा, बालू छत और बीम दोनों मिला के, कंक्रीट कितना लगेगा, ठीक है, गिट्टी कितना लगेगा, सेटरिंग लेबर का कॉस्ट, सरिया कितना लगेगा छत बीम रिंग में, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो है आप लोग के लिए, अगर आप लोग छत ढलवा रहे हो या सोच रहे हो, ठीक है। तो चलिए हम सीधा करते हैं वीडियो को शुरू। तो स्लैब का एरिया हो गया 2000 स्क्वायर फुट, ठीक है, और थिकनेस हो गया, जिसको बोलते हैं मोटाई, वह 5 इंच हो गया, और मसाला का जो रेशियो है, मसाला रेशियो अनुपात, वह M20 है, 1, 1.5, 3। एक बैग सीमेंट लेंगे, 1.5 बैग बालू और 3 बैग गिट्टी, ये रेशियो बेस्ट होता है और सेफ होता है, जिसको हम लोग M20 ग्रेड बोलते हैं। अब हम बात कर लेंगे मटेरियल में, सबसे पहले सीमेंट का। और इसमें दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम इसमें स्लैब प्लस जो स्लैब के साथ बीम डलाता उसका दोनों का हम एस्टिमेट, ठीक है, क्वांटिटी और कॉस्ट बताएंगे क्या होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले अगर हम सीमेंट का बात कर ले, तो जो छत है हमारा, छत के लिए आसपास आपका लगभग 190 बैग पड़ेगा, ठीक है, छत के लिए, और साथ साथ बीम जो पड़ेगा, जो छत के साथ नीचे एक बीम डलाता है स्लैब के साथ, उस बीम में आपको 48 बैग हमारा क्या लगेगा, सीमेंट लगेगा। छत के लिए 190 और 48 बैग आपका 48 बैग बीम के लिए, और अगर आप बीम नहीं डलवा रहे हैं तो 190 बैग लग जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इतना बड़ा छत है तो बीम तो डालना ही पड़ेगा, तो 190 प्लस 48 ये हो गया 200, कितना बैग हो गया, 238 बैग हो गया, ठीक है। अब कॉस्ट का हम बात कर लेंगे, तो 238 बैग गुने आपका 380 रुपया सीमेंट का, ठीक है, अभी सीमेंट का रेट कम हो चुका है, तो 380 अगर कर देते हैं तो देख सकते हैं आप लोग 90,440 रुपया आपका क्या आया, सीमेंट के ऊपर आया, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे बालू का, जिसको हम लोग सैंड बोलते हैं। तो दोस्तों बालू हमारा छत के लिए 350 CFT लग जाएगा, क्यूबिक फुट, ठीक है, स्क्वायर। उसके बाद बीम जो हमारा है छत के साथ जो बीम डालेंगे उसके लिए 88 CFT लग जाएगा, ठीक है, CFT मतलब क्यूबिक फुट। जब दोनों को जोड़ेंगे 350 प्लस 88 तो देख सकते हैं 438 CFT लग जाएगा, ठीक है, फिट लग जाएगा, क्यूबिक फुट। अब हम बात कर लेंगे बालू, तो 438 CFT, और हमारे एरिया में पर्सनली बात करें तो बालू का रेट 80 से 85 रुपया 1 CFT का पड़ रहा है, ठीक है। आपके एरिया में यह बालू का रेट कम हो जाएगा, क्योंकि आपका नदी का खदान नज़दीक पड़ता है आपके एरिया में, तो और अलग अलग एरिया में अलग अलग रेट, तो आपके एरिया में जो भी रहे 438 CFT में गुना कर लीजिएगा, तो फिलहाल 80 रुपया के अकॉर्डिंग 438 CFT का यह कॉस्ट होने वाला बालू के ऊपर 35,040 रुपया, ठीक है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेंगे एग्रीगेट यानी कि गिट्टी का। तो गिट्टी का क्वांटिटी का अगर बात कर ले तो 700 CFT आपका लग जाएगा छत के लिए, और 175 CFT आपका लग जाएगा किसके लिए, बीम के लिए। जब जोड़ देंगे दोनों को, छत और बीम दोनों का क्वांटिटी, तो यह 875 CFT हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों जितना आपका बालू रहेगा, ठीक है, उसका 1.5 गुना ज़्यादा आपका क्या रहेगा,
पिट्टी रहेगा, ठीक है। जैसे मसाला का रेशियो हम आपको अभी बताए थे 1.5-3, तो एक बैग अगर सीमेंट ले रहे हैं एग्जांपल, ठीक है, तो 1.5 बैग आपका क्या लेना पड़ेगा बालू, मतलब 1.5 गुना, और 3 गुना क्या लेना पड़ेगा गिट्टी, ठीक है। तो 438 है, तो इसका हो गया 1.5 गुना, ठीक है, सीमेंट जितना उसका 3 गुना ये क्वांटिटी है। तो गिट्टी का रेट का अगर बात कर लें 875 CFT प्लस 875 CFT गुने गिट्टी का भी रेट 70 से 80 रुपया 1 CFT का पड़ रहा है। तो दोस्तों 875 गुने 80 रुपया तो यह 70,000 रुपया आपका गिट्टी के ऊपर पड़ जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे सरिया का, यानी कि स्टील का TMT बार का। तो दोस्तों इसमें 8 mm, उसके बाद 10 mm, उसके बाद स्लैब के लिए हो गया, और बीम के लिए आपका 10 mm, 12 mm और 16 mm का सरिया लगेगा, ठीक है। तो सरिया का टोटल क्वांटिटी का बात कर ले तो छत के लिए, केवल छत के लिए 1600 kg लगेगा, ठीक है। प्लस दोस्तों अगर बीम डालेंगे तो बीम में भी लगेगा सरिया, तो बीम के लिए 1082 kg, और बीम जब भी डालेंगे तो बीम के साथ दोस्तों हमें रिंग भी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यह रिंग का जो टोटल क्वांटिटी का केजी होगा 396 kg हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल को जब जोड़ दीजिएगा, देखिए 1600 kg प्लस 1082 kg बीम के लिए, ठीक है, अब प्लस 396 kg आपका रिंग के लिए, तो यह क्वांटिटी आपका 3078 kg हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसको हम कुंटल में बात कर ले तो 30 कुंटल के आसपास, ठीक है, क्यू से डिनोट करिए कुंटल, और 3 टन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो हम केजी में फिलहाल बात करेंगे, तो केजी में आपका रेट हमारे एरिया में फ़िलहाल ये 75 रुपये चल रहा है, ठीक है, आपके एरिया में जो भी रहे गुना कर लीजिएगा। हम फिलहाल 75 रुपया 1 kg का लेके चल रहे हैं, तो 3078 kg का यह गिट्टी का सरिया का रेट 230,850 रुपया पड़ जाएगा, ठीक है। सरिया के ऊपर सबसे ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं लेबर और सेटरिंग का। तो देखिए लेबर और सेटरिंग, तो 2000 स्क्वायर फुट एरिया में छत ढलाने के लिए 45 रुपया में आपको लेबर भी और स्टील वगैरह बांध के कॉन्क्रीटिंग करके दे देगा, ठीक है। सेटरिंग का दोनों का खर्च बता रहे हैं, लेबर प्लस सेटरिंग। तो 2000 स्क्वायर फुट में छत ढलाना है 45 रुपया 1 स्क्वायर फुट का, तो यह दोस्तों 90,000 रुपया पड़ेगा लेबर प्लस सेटरिंग का। और अलग अलग स्टेट में सेटरिंग का रेट थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, ठीक है। साउथ इंडिया में आपका 70-80 से लेके 120 रुपया तक जाता है 1 स्क्वायर फुट का। वो डिपेंड करता है कि लकड़ी का सेटरिंग है या आपका मेटल का सेटरिंग है, ठीक है, या प्लाई का है, और किस एरिया में कितना कॉस्ट है। जब दोस्तों टोटल को अगर जोड़ दीजिएगा तो जोड़ने के बाद दोस्त आपका होने वाला है 5,16,330 रुपया अभी के डेट में पड़ेगा। तो दोस्तों लास्ट में अगर हम बात कर ले कि भाई कंक्रीट का वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है, 2000 स्क्वायर फुट में, तो देखिए दोस्तों स्लैब का अगर बात कर ले तो स्लैब में यह 23.6 m³ आपका कंक्रीट लगेगा, ठीक है। और बीम का बात कर ले, छत के साथ जो बीम डलाएगा उसमें 6 m³ आपका कंक्रीट वॉल्यूम लगेगा, ठीक है। तो टोटल अगर जोड़ देंगे, टोटल वॉल्यूम, तो यह 29.6 m³ आएगा गीला वॉल्यूम, ठीक है। आप इतना बनल बनाल चाहे तो मंगवा सकते हैं अगर अवेलेबल है आपके एरिया में प्लांट। और फ्रेंड हम आशा करते हैं आप लोग से कि अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए,
और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले दोस्तों जय हिंद।